ना ये शुरू करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, कब शुभ नामे जागे कब शुभ आशीष मांगे गाहे कब जय गाथा, जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की जय जय। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। आज हम सब साधारण मंत्री थे, आजादी की 72वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सज्जू भाई के वजन में से आज इस अवसर पर उपस्थित शिवा मिश्रा जी, विजय वर्मा जी, राजेंद्र ताम्रकर जी, हाजी हबीबुल्ला खान जी, आरिफ भाई, राजेश वर्मा जी, जावेद परवेज जी, मदन सिंह ठाकुर जी, विजय शर्मा जी और उपस्थित वार्ड के सभी नागरिक, आज हमारे देश में 72वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। किसी भी देश के लिए, उसकी शक्ति के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे परिवार हो, हमें संगठित होने में ही मजबूती मिलती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जो लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं उन्हें हम कैसे नजरअंदाज करें। जो लोग आपसी भाईचारे को बांट सकते हैं, आपसी भाईचारा बांटने से हमारा देश तो कमजोर होगा ही। सरला जसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आज कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। आतिफ भाई सबसे पहले सरला जसवाल जी का स्वागत करेंगे। शिवा मिश्रा जी एजाज परवेज जी का सम्मान शिवा मिश्रा जी,
राजेश वर्मा जी का। विजय वर्मा जी का स्वागत करेंगे शिवा मिश्रा जी। हाँ जी हबीबुल्ला खान जी का स्वागत शिवा मिश्रा जी करेंगे। गुलाब चंद गुप्ता जी का स्वागत शिवा मिश्रा जी करेंगे। हाजी नजीर अशरफी जी का स्वागत करेंगे शिवा मिश्रा जी। मदन सिंह ठाकुर जी का स्वागत करेंगे शिवा मिश्रा जी। राजेंद्र ताम्रकर जी का स्वागत करेंगे शिवा मिश्रा जी। रसूल यार खान जी का स्वागत करेंगे शिवा मिश्रा जी। शोभराज जी का स्वागत करेंगे शिवा मिश्रा जी। संगीता वर्मा जी का स्वागत करेंगे शिवा मिश्रा जी। वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद मुकीम कुरैशी जी से अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वार्ड के लोगों को संबोधित करें। आज के इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मेरे वार्डवासी के समस्त भाई बहन और मंच में मंचासीन श्रीमती सरला जसवाल जी, शोभराज जी, शिवम मिश्रा जी, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आरिफ भाई और हबीबुल्ला साहब, डॉक्टर शर्मा साहब, राजन भैया और वार्ड के वार्डवासियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, इस आज़ादी की आज 72वीं वर्षगांठ के पावन पर्व पर हम सब लोग देश की खुशहाली के लिए जिन महान सपूतों ने अपने अपने प्राणों की आहुति दी, हमको कोई आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिल गई है, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा है। आज ऐसा क्या है कि जब 72 वर्ष हो गए हैं, आज भी हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं। आज ऐसी कौन सी बात है, 100 साल भी होगा तो हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष और अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें इस भारतवर्ष में इतने अच्छे तरीके से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम स्वतंत्र हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है और सभी धर्म मजहब जाति के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं और जिस प्रकार से हम लोग ईद क्रिसमस दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, उसी तरीके से हमें यह महान राष्ट्रीय पर 26 जनवरी और 15 अगस्त का त्यौहार मनाना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।
मैं सरला जायसवाल जी को खुद माइक लेके जाऊंगा और आग्रह करूंगा कि अपना आशीर्वाद हमें दे। हमारे सभी प्रिय भाई बहनों, बुजुर्ग भैया लोग, आज हम लोग 72वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद में मना रहे हैं। इस वार्ड से भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनका त्याग, उनको आज हम अपनी हार्दिक वो देते हैं, बधाई देते हैं कि जिन्होंने आज़ादी में पूरा संघर्ष करके हिंदुस्तान आज़ाद किया। आप सभी बहन भाइयों के आज़ादी के इस पर्व पर शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्रणाम। थैंक यू। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवा मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। शिवा मिश्रा जी, पंद्रह अगस्त राष्ट्रीय पर्व के आज के इस बहुत ही अच्छे आयोजन में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय सरला चाची जी, गजराज भाई, शोभराज चाचा जी, विजय भाई, हबीबुल्ला साहब जी, राजेश भाई जी, राजेंद्र ताम्रकार जी, गुप्ता जी, नजीर सरफी साहब और विनायत साहब, रसूल रियाज साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी वार्ड क्रमांक 23 के जूनी लाइन मोहल्ले के हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग वार और सभी जो अगली पीढ़ी के हमारे ये साथी यहाँ खड़े हैं, नौजवान साथी जिन्होंने इसका आयोजन किया है, इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का, भाई फराज, आकिब, सज्जू भाई, जानू भाई और वर्मा जी हमारे यहाँ खड़े हैं, चौबे जी, विनय भाई और इन सब का बहुत ही अच्छा नेतृत्व करते हुए पूरे मोहल्ले को एक सिरे में पिरो कर चलते हुए हमारे पार्षद साथी भाई मुकीम कुरैशी जी और बहुत ही बड़ी संख्या में आज का दिन क्या है इसको समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हमारे बहुत ही छोटे छोटे नौनिहाल, जैसा कि अभी हमारे फराज ने बताया और टीम ने भी बताया कि ये तिरंगा जो आज लहरा रहा है यहाँ पे, ये हमें कैसे मिला 1947 में, ये आज़ादी कैसे मिली, इसके पीछे हमारे देश के असंख्य करीब करीब 11.25 लाख देशवासियों की कुर्बानियाँ हैं एक आंकड़े के अनुसार, और तब जाकर हमारे पुरखों ने जो खून पसीना आज़ादी के लिए बहाया, तब जाकर ये दिन आज हमें प्राप्त हुआ और हम इसका महत्व समझें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के समय में, क्योंकि हमारा देश इस समय एक ऐसी परिस्थिति से, एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है कि जहाँ पर हमारे देश में जो पिछले 70 वर्षों से एक गंगा जमनी तहजीब चली आ रही है, उस गंगा जमनी तहजीब के ऊपर कहीं ना कहीं आक्रमण हो रहा है और उस गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं कुछ फिरका परस्त ताकतें कर रही, तो आज की इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर और आने वाली पीढ़ी के ऊपर ये है कि जो लोकतंत्र हमें हमारे पुरखों ने दिया, जिसके ऊपर पूरा विश्व आज फक्र करता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान का और सबसे सफल लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र मतलब जनता का अधिकार, जनता को हर प्रकार का अधिकार हमारे संविधान के तहत प्राप्त है और ये अधिकार ही आज़ादी का सही अर्थ है। साथियों, आज का दिन हम इसीलिए मनाते हैं कि हमारे देश में ये लोकतंत्र का अधिकार हम सबको मिला
और इस लोकतंत्र के अधिकार को बनाए रखना हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। और इसके लिए यदि हमारे बुजुर्गों की भांति हमें कोई संघर्ष भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। मैं आज के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उन वीर शहीदों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। हमारे यहाँ इस मोहल्ले के भी बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, आदरणीय चित्रकार जायसवाल जी, मैं उन सभी को बहुत ही श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आप सभी को एक बार पुनः इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे वार्ड के वरिष्ठ नागरिक छाजूलाल शर्मा जी का स्वागत करेंगे शिवम मिश्रा जी। मैं कार्यक्रम के आभार व्यक्त करने के लिए वार्ड के मोहम्मद आसिफ भाई को बुलाना चाहता हूँ। मैं अपने वार्ड के तरफ से और समस्त साथियों के तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि आज आप लोग यहां पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज का ये राष्ट्रीय पर्व हमारे लिए सबसे महत्व पर्व है और इस पर्व में जो भी लोग यहां उपस्थित हुए हैं मैं सभी का और अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।